वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन, उसका डेरिवेशन, डिराइव डेंसिटी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस भी बोलते हैं बेटा, वो क्या होती है, एंड वंडरवाल्स इक्वेशन जिसको रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं वो क्या होती है बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस। गैस का मतलब है यहाँ आइडियल गैस बेटा, गैस से मतलब आइडियल गैस है बेटा। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल क्लेसियस एंड बोल्ट्जमैन। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट मैक्सवेल क्लेसियस एंड बोल्ट्जमैन। कोई भी थ्योरी होती है उसके अपने मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन अजम्पशन होते हैं बेटा। मेन पॉइंट्स कहो, मेन अजम्पशंस, एजम्पशंस, मेन पोस्टुलेट्स, मेन करैक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स, मेन प्रॉपर्टीज, सेलियंट फीचर्स, ईटीसी। मेन पॉइंट्स कहो बेटा, एजम्पशन कहो, पोस्टुलेट कहो, करैक्टरिस्टिक्स कहो, समरी कहो बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ए गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और कभी कभी एटम्स भी होते हैं, जैसे हीलियम नियोन आर्गन है बेटा। तो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स दोनों लिखेंगे बेटा। तो गैस है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल की, नन्हे पार्टिकल की बनी है, जिनको मॉलिक्यूल एंड एटम कहते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। गैस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं बेटा। थर्ड बेटा, देर इज नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए गैस। एक गैस के पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, लिक्विफाई नहीं होगी, जबकि गैस का लिक्विफिकेशन तो होता है बेटा। अगला पॉइंट बेटा फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ
गैस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से कंपेयर करें तो पार्टिकल का, गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है बेटा। जब ऐसी बात है, जब गैस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो फिर टोटल गैस का वॉल्यूम कहाँ से आया बेटा? तो ये दोनों पॉइंट रॉन्ग है बेटा, लेकिन इस थ्योरी में तो हमने जैसा भी बताया गया है वही लिखना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस का मतलब है आइडल गैस बेटा, ऑफ ए गैस आर मूविंग इन रेंडम एंड कॉन्स्टेंट मोशन बेटा। पार्टिकल ऑफ ए गैस आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मीन्स आइडल गैस आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा। सो दिस इज काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस और माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस और मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस और इक्वेशन फॉर रियल गैस, एक ही बात है बेटे, वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस और रियल गैस इक्वेशन, वंडरवाल्स, डब्ल्यू कैपिटल है बेटा, इक्वेशन फॉर रियल गैस बेटा। तो इससे पहले आपको बता दें बेटा, जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस है उसमें दो फॉल्टी पॉइंट हैं, दो लिमिटेशन है। फर्स्ट, पहला एक तो क्या है लिमिटेशन बेटा, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। करेक्शन क्या करेंगे, देर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए गैस नोन एज वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल बट वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस। तो वंडरवाल इक्वेशन क्या है बेटा, इसका डेरिवेशन तो हम बीएससी में पढ़ेंगे बेटा, पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर
वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये छोटी सी इक्वेशन है बेटा, वेयर पी प्रेशर है, एन नंबर ऑफ मोल है, वी वॉल्यूम है गैस का, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, तो ये वंडरवाल कांस्टेंट है बेटा। सिग्निफिकेंस, अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, तो क्या है बेटा, ए मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वीक वंडरवाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बी मेजर द वॉल्यूम और साइज ऑफ गैस पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ गैस या गैस पार्टिकल, तो बी तो बताता है वॉल्यूम या साइज ऑफ गैस पार्टिकल, और ए मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे, और जितनी बेटे बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम गैस पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा होगा बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।